एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित नहरोई गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर ही है। लगभग 2000 की आबादी व 1200 वोटरों द्वारा ममता देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 250 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 91 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 36 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 180 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में RCC टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसीटाइज रोड, खडंजे, शमशान घाट, पानी की टंकी, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति श्री जुगन सिंह, ग्राम पंचायत नेहरोई, विकासखंड मुरसान, जिला हाथरस। मुझे जैसे राज्य में 14 से जैसे सरकार ने जारी किया पंचायत के लिए, उससे मैंने 8 CC टायर्स इंटरलॉक कराए हैं और कुछ खाते गड्ढे कराए हैं 3 मनरेगा के अंदर और पक्की नाली भी बनवाई है और जैसे ही पैसा और आगे जा रहेगा और विकास कार्य कराएंगे। शौचालय और शौचालय का काम ओडीएफ का चल रहा है, 100 से ऊपर बन चुके हैं और ये चल रहा है प्रगति कर रहा हूँ। हाँ, खेतों के लिए आने वाले कच्चे रास्ते हैं, चकलोटे हैं, उन पर मिट्टी भी डलवाई मनरेगा के अंतर्गत और किसानों के लिए सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके खेतों के समतलीकरण और मेड़बंदी भी कराई है। हमारी पंचायत की मुख्य समस्या है 2000 से ज़्यादा की आबादी है और शमशान भूमि करीब 2-3 बीघा की पड़ी है, उसमें काफ़ी बम्बे के सहारे पानी भर जाता है तो उसमें दाह संस्कार करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसके लिए फंड जारी करें ताकि लोगों को दाह संस्कार करने में कोई दिक्कत ना आए। और 300 मीटर के करीब हमें CC टायर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी सरकार हमें पैसे दे या बनवाए कर या किसी निधि से, तो उससे भी रास्ता आने जाने में सुचारू रूप से हो, कोई परेशानी ना हो। और गांव में पानी की समस्या भी है, पानी गांव का ख़राब है नलों का, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि गांव के लिए टंकी की व्यवस्था की जाए तो जिससे लोगों के स्वच्छ पानी की मांग पूरी हो जाए और 2-3 नल हैंडपम्प भी मिल जाए तो और भी अच्छा। और हमारे पास छोटी पंचायत है, किस्ती बहुत कम आती हैं, हमारे काम ज़्यादा हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी किस्ते का पैसा कोई बढ़ाया जाए तो जिससे कि विकास कार्य और तेज़ी से हो सके। गाँव निवासी नेहरोई, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरे प्रधान जी ने बहुत शौचालय CC सड़क है खूब बढ़िया अच्छी तरह से काम करा रहे हैं, शौचालय का निर्माण भी खूब बढ़िया कराया है इन्होंने।